नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड इरविन की। इरविन, इनका टेन्योर था साल 1926 से 1931 तक, और इनके टेन्योर के कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जैसे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी गांधी इरविन पैक्ट की। तो पहले गांधी इरविन पैक्ट के बैकग्राउंड को समझो। मार्च 1930 गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं नमक बना के दांडी में। और इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ हजारों लोग जुड़ते चले जाते हैं, और इस वजह से ये मूवमेंट अपने पीक पे होता है। अब नवंबर 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था, जहां इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे डिस्कशन करना था, पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अपने पीक पे था, तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दिया। जिसके बाद लॉर्ड इरविन पे काफी ज्यादा प्रेशर था, और इरविन का साफ ऑब्जेक्टिव था कि वो कैसे ना कैसे करके कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे लेकर आए, जिस वजह से इरविन भागे भागे जाते हैं गांधी जी के पास, और तब साइन हुआ गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को एंड कर दिया। तो क्या थे प्रोविजंस गांधी इरविन पैक्ट के? पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप स्टडी आपके बैचेस में एनरोल हो सकते हो अगर आप मेरा कोड RSLIFE यूज करते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। अब आते हैं गांधी इरविन पैक्ट के प्रोविजंस पे। पहला, गांधी जी विल एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। दूसरा, कांग्रेस अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्री करती है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अगेंस्ट केसेस थे ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, उनको हटाया जाएगा, पर सिर्फ उन लोगों पर जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे। चौथा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड कि वो उन सभी के लैंड्स को वापस कर देगी जिन्होंने टैक्सेस पे नहीं किए थे ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पांचवा, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो अब अपने एरियाज में नमक बना सकेंगे। और आखिरी, पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लीकर एंड फॉरेन गुड्स शॉप वॉज अलाउड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? शॉप के बाहर धरना देकर पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करना, और दुकानदारों को ये समझाना कि ये जो आप लिकर या फॉरेन गुड्स बेच रहे हो इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसी पैक्ट में गांधी जी ने इरविन से ये भी कहा था कि क्या वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को टाल सकते हैं, पर लॉर्ड इरविन ने इस पर एग्री नहीं किया। करते भी कैसे, भगत सिंह और उनके साथी उस वक्त नेशनल हीरो बन चुके थे। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस गांधी इरविन पैक्ट के। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट अपने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि इसके बाद ही गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जहां पे पहली बार ब्रिटिशर्स और इंडियंस एक इक्वल लेवल पर अग्रीमेंट करते हैं। नहीं तो इससे पहले ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक लेवल का समझते भी नहीं थे। तो ये थी पूरी कहानी गांधी इरविन पैक्ट की, और इसी के साथ लॉर्ड इरविन के भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।